बहुत बड़ा बेवकूफ़ लगा मुझे अभिषेक जो भी उसने किया, बिकॉज देखो आते हैं आई एम नॉट टोटली डिसएग्री विद ऑल दिस, और मुझे वाइल्ड कार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैंने सच्ची बताऊँ पूरे एपिसोड अभी तक देखे नहीं है, मैंने सिर्फ दो ही एपिसोड देख पाया हूँ. ईशा के साथ आई हैड वर्क विद बिफोर इन नोडारिया, एक वही पसंद है, और मुनावर का ऑफकोर्स मुनावर बहुत सटल खेलता है, अच्छा खेलता है और वन लाइनर उसके अच्छे रहते हैं. और अभी ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा बिकॉज ऐसे जैसे अभी सीज़न आगे जाएगा तो देन आई यू नो कुड पिक एंड चूज की हु इज़ माई फेवरेट एंड हु इज़ नॉट. अभी शेख चला गया था जब मैं एंट्री कर रहा था उड़ारी में. टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा बेवकूफ़ लगा मुझे अभिषेक जो भी उसने किया, बिकॉज इट सीम्स लाइक आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बिकॉज वो बहुत ही मैकेनिकल लगा जो उसने करा एंट्री में. और आते ही आई नो गुस्सा मेरे में भी बहुत है बॉस, लेकिन हर एक गुस्से की ना वजह होती है, और वो कोई दो साल का बच्चा नहीं है जो क्रैंकी हो जाएगा हर दो मिनट पर, हम दो मिनट में उसको मनाएंगे. वो एक मैच्योर्ड इंसान है, आई गेस 24-25 जो भी उसकी एज है, बट एक ही इज़ अ मैच्योर्ड गाय. सबका टेम्परामेंट इशूज़ होते हैं, सबको गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन एक वजह होनी चाहिए गुस्सा आने की. हर किसी के जाके तुम यू नो पोकिंग योर नोज इन समवन्स एल्सेस बिजनेस एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वहाँ पे मतलब मैं बोलूँ भी, मतलब मेरा भी अपर हैंड रहे, ऐसा नहीं हो सकता. और जब तुम गलत हो तुम्हारा अपर हैंड हो ही नहीं सकता है, तो यू कांट बी राइट एट ऑल. मैंने जो उसके इनिशियली जो मैंने एपिसोड्स देखे उसमें, फिर लव रूम में चले जाते हैं, ये बेवकूफ़ी है अगेन. मेरे को ईशा पे भी जो मैंने देखा तो आई वॉज लाइक, अभी वो लड़की भी जो आई डोंट नो सोनिया से लड़ाई हुई थी आई गेस, उसने पूरा बैंड बजाई उसकी, वो गलत भी नहीं थी, गाली शायद कुछ गाली भी एक्सचेंज हुई थी. अब एक लड़का आ रहा है तुमसे सॉरी बोलने, तो तुम्हारे अंदर गट्स क्यों नहीं बोलने की, अभी तो गलत था तो मुझे नहीं बात करनी है. तो वो मतलब यू आर मेकिंग हिम सक्सेसफुल इन वट एवर ही इज़ डूइंग एंड यू आर गिविंग हिम द फुटेज इवन दो वेन ही इज़ रॉन्ग. मतलब मेरा पॉइंट ये था कि जब उसने बदतमीजी की है तो बदतमीजी हो गई ना, तो अभी हो गया 36 का आंकड़ा, उसको मेंटेन करो ना. तो मतलब जब ही इज़ रॉन्ग या फिर तुम्हारा वो दोस्त हो, ठीक है बाद में हो जाती, ठीक है लेटर ऑन चीज़ें सॉल्व हो तो बात अलग है, लेकिन अभी तुम आते ही उसी सेम रात को सॉरी बोल रहे हो, तुम गले मिल रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, तो दोनों बेवकूफ़ दिख रहे हो मुझे. और सबसे ज़्यादा वो बेवकूफ़ सोनिया दिख रही है, बिकॉज पहले तुमने इतनी माँ बहन की गालियाँ देके तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ और फाइट वाइट हुई, और उसके बाद तुम एकदम एक सेम रहा. सेम गोज़ विद ईशा, जब ईशा के साथ भी उसने आई के सेम चीज़ हुई, तो बहुत ही नॉनसेंस बातें. आई एम नॉट टोटली डिसअग्री विद ऑल दिस कंटेस्टेंट वट एवर इज हैपनिंग इन द हाउस. यार मज़ा आया मेरे को तहलका सनी नाम है, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो. मैंने बीच में बाद में रियलाइज़ किया कि वो ही इज़ द सेम का जिसके मैंने इंस्टाग्राम पे वो वीडियोज़ देखी है, तो मुझे वो थोड़ा फनी लगा. और मुनावर का आई सॉ हिम इन लॉकअप, मुनावर भी अच्छा खेलते लेकिन वो सटल खेलते. वही एग्जांपल उसने बोला था ना कि भैया अभिषेक इतना चिल्ला रहा है, लंबी रेस का घोड़ा है, थोड़ा फ्यूल संभाल के रख. मुनावर ने अपना फ्यूल इतना सारा संभाल के रखा हुआ है, तो बाद में जैसे जैसे कंटेस्टेंट निकलते रहेंगे तब उसका वो फ्यूल यूज़ होगा. आई फील सो जूड़ियाँ. अरे यार अंकिता एंड विकी इज़ डूइंग ग्रेट यार. मतलब अनएक्सपेक्टेड था, आई थॉट कि वो थोड़ा सा शांत रहेगा एंड ही माइट टेक टाइम बिकॉज ही इज़ फ्रॉम नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड तो थोड़ा ही माइट टेक टाइम टू जेल अप विद द पीपल, बट वो ऐश्वर्या और इससे बहुत आगे निकल गया. आई डोंट नो नील, आई हैव मेट हिम पर्सनली, मैंने नहीं देखा, आई एम सो सॉरी. मैंने इनिशियली दो एपिसोड देखे, मुझे नहीं टाइम मिल पाया, मे बी एक दिन छुट्टी मिलेगी तो मैं बैक टू बैक एपिसोड्स कंप्लीट करूँगा. तो बट नील इज़ लाइक दैट ओनली, मतलब ही इज़ नॉट टिपिकल बिग बॉस मटीरियल टू बी ऑनेस्ट. एंड आई डोंट नो अभी अंदर जाके क्या होगा कैसे होगा वो, क्योंकि इतना प्रेशर होगा, वो वैसे ही थोड़ा सोबर थोड़ा यू नो सबमिसिव रहते हैं और वहाँ पे दिख भी रहे, तो आई डोंट नो ओपन अप होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे नहीं होगा पता नहीं. बट हाँ थोड़ा सा हल्का लगा मुझे नील. रह नहीं गया था मैं बिकॉज आई वॉज डूइंग अ शो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड मेरा एक पैक्ट रहा है, पैक्ट मेरे अपने आप से ही रहा है कि मैं काम छोड़ के बिग बॉस में तो नहीं जाऊँगा, ये फॉर श्योर है. तो लास्ट टाइम मेरा यही रह गया था कि मैंने पता किया था आई वॉज डूइंग शो, तो मैंने पता किया था तो मेरे को था कि नहीं, आई डिसाइडेड कि नहीं मैं शो छोड़ के तो नहीं जाऊंगा. बिकॉज क्या होता है काम लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पे, इतना इजी नहीं होता है. और एक काम को ठुकरा के दूसरे काम के, क्योंकि बिग बॉस के बाद कोई काम मिले ना मिले इसकी कोई श्योरिटी नहीं है. तो बिग बॉस हर साल आएगा, मैं शायद जिस साल मेरे पास काम नहीं होगा तो मैं मे बी तब कर सकता हूँ, मेरे पास चांसेस हैं. बट ये शो अब उसके बाद रहेगा नहीं रहेगा इसका पता नहीं. तो इस साल भी सिंस मैं शो कर रहा हूँ और कलर्स का ही शो कर रहा हूँ, तो शो छोड़ के बिग बॉस बिस्क्यूज ऑफकोर्स, बट दैट वॉज वाइल्ड कार्ड एंट्री, ऑफकोर्स दैट वॉज वाइल्ड कार्ड एंट्री. और मुझे वाइल्ड कार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर जाना होगा तो मैं शुरू से ही जाऊँगा, और दैट टू व्हेन आई एम नॉट वर्किंग. बट अफॉर्चुनेटली आई वॉज वर्किंग एंड आई एम वर्किंग राइट नाउ. जब भी बिग बॉस शुरू हुआ है तो मतलब इससे मुझे भी रिमाइंड हुआ कि जब जब बिग बॉस आता है मैं काम कर ही रहा होता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा ही है और अच्छी बात है बने, लेकिन मुझे नहीं जाना वाइल्ड कार्ड बन के. बिकॉज आई फील जितना उनको हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बाहर से शो जो वाइल्ड कार्ड ज़्यादा देख के जाता है उसकी स्ट्रैटेजी समझ के जाता है, लेकिन उतना ही उसको डिफिकल्ट होता है आगे जाके बॉन्डिंग बनाने, बिकॉज वो सब
यू नो बहुत क्विकी होता है, वो टाइम थोड़ा जमाने का नहीं मिल पाता है कोई भी कंटेस्टेंट को. तो आई एम नॉट वन ऑफ दोस, आई वुड लव टू गो फ्रॉम द स्टार्ट 110%. बीच में कोई कोई मतलब चॉइस नहीं है मेरे पास, मैं जाऊँगा तो स्टार्ट से ही जाऊँगा और अच्छे से जाएंगे और अच्छे से काम करके आएंगे यार. मतलब क्योंकि व्हाट आई फील इज़ कि बिग बॉस तुम्हें वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको कभी बीच में से ग्रैब नहीं करूँगा, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे तो मैं 100% यूटिलाइज करके आऊँगा.